राजस्थान में टिकट पर कांग्रेस बीजेपी में क्यों मची है हैतौबा? आखिर टिकट बंटवारे की चुनौती से कैसे निपटेगी बीजेपी कांग्रेस? इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के सामने टिकट बंटवारे की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही दोनों दलों में टिकट बंटवारे को लेकर गर्मा-गर्मी शुरू हो गई है। दोनों दलों में ज्यादा से ज्यादा टिकट अपने अपने खेमे के लोगों को दिलाने को लेकर जंग शुरू हो गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जयपुर में मंगलवार को कांग्रेस के चुनाव प्रधान समिति की एक मीटिंग हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख कुमारी शैलजा और कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत पहुँचे। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया कि टिकट योग्य लोगों को मिलेगा और जरूरत पड़ेगी तो व्यक्तिगत रूप से टिकट के दावेदारों से बात की जाएगी, उसके बाद ही टिकट तय होगा। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में टिकट बंटवारा पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी तय करेंगे। कमोबेश यही हालात बीजेपी के भीतर भी है। बीजेपी के अंदर यहां घमासान चल रहा है कि टिकट बंटवारा इस बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथ में होगा या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार तय करेंगे। हालांकि वसुंधरा राजे कैंपेन कमेटी के मीटिंग में इशारों में कह चुकी हैं कि टिकट तो वही बांटेंगे, वरना बीजेपी राजस्थान में चुनाव हार सकती है। जबकि अमित शाह का खेमा ये समझाने में लगा है कि इस बार टिकट का बंटवारा केंद्रीय स्तर पर होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विधायकों का टिकट काटा जा सके। बीजेपी के एक गुट का मानना है कि मौजूदा विधायकों की टिकट काटने पर जनता की नाराजगी कम होगी। हालांकि दोनों ही दलों के लिए टिकट बंटवारे का काम इतना आसान नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी इस चुनौती से कैसे निपटती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।